कर कसरत दुश्मन का नाश आई थी और गिल्ला छोटन फौज की गाड़ी कई खास आई थी। गांव की भीत रूख दरखत घोड़े सारे रोए थे जब तिरंगा में लिपट कर सचिन की लाश आई थी। जय दोस्तों, ना आंसू अस्थार श्यामी शहीद भाई सचिन जो कुछ दिन पहले शहीद हो गए थे उनका परिवार की जिंदगी ने लेकर आया हूँ। वो परिवार जो अपने बालक ने फौज में लगवाने खातर केके दाड़े भरे हैं, केके दाड़े उन्हें शहीद होने के बाद फिर केके दाड़े भरने पड़े हैं। अक माँ की दुआ और बाप का पसीना जिसकी चिंती थी, गांव के गाबरू छोरा में सचिन की विनती थी। चाचा में तो कोई बालक बच जा करते लेकिन सबसे ज्यादा चक्कर रोड पर सचिन की लग गया करते। महीना पाछे फौज की भर्ती थी, फौज की भर्ती नहीं रहे वो सचिन का बापू को फौज की भर्ती थी। वो बापू जो दिन रात दहाड़ी मजदूरी करके उनका पेट पाला करता, कदे ठंडा गोबर सा उबारा कर कदे खेत आया करता। पर उसने सोच रखी थी एक छोरा फौज में लगवाना है, मेहनत मजदूरी करके छोरा भर्ती करवाना है। ये उसने इससे सोच में एक बहस आधा को बांध ली, बहस नहीं डाकी नवा तो हाफ दे रांध ली। जिस टाइम सचिन की माँ धार काट के लंदी ने, घर क्या तो ज्यादा चून तो भैसे खा जाती, पर कोई यार नहीं छोरा फिजिकल मना रह जा। अरे बापू मैंने खाण ने ना मिला नू ना कह जा, हम तो चा काली पी लेंगे बेटे तन्ने दूध पाओगा जब तू बाटाला पुल पर रेस मार का होगा, जब तू बाटाला पुल पर रेस मार का होगा। इब सचिन भी मैंने चौकी कर रहा था और दिन रात काल जाकती हाथ पदर रहा था। महीना पास से फौज की भर्ती आ गई और सचिन की किस्मत पर छलांग लगा गई। फिजिकल तो छोरा ने झटका में पाड़ दिया और शहर के बड़का टोला कती पीछे ताड़ दिया। ये बात वेरिफिकेशन पर टक गई और सचिन की नौकरी पर तलवार से लटक गई। पुलिस ये बोल ले सचिन पैसे भर देगा और हम पांच जने हैं हमारे सारे का हिस्सा कर देगा। सचिन बड़ी आख्या था उनका ने लिखा होता और अपने आसुआत घर का सारा हाल बताओ था। सुनकर माँ अपनी टूम बेचने की सोच गई जब यह बात उनके घर क्या तक पहुंच गई, इबे डायलॉग दे गए नौकरी का लेटर आ गया था और नया नया जोर सचिन के गात में था। अब बापू का चेहरा की सड़वट मिटा दुआ और बरका गोज पैसा की महीना मिला दुआ। माँ की टूम ठेकरी दोबारा तो बनवाऊंगा और बाना नहीं बदले दिल्ली में तो घुमा के लाऊंगा। पर उसने क्या बेरा था फौज में छुट्टी काट दे हुए हैं और दिन रात की ड्यूटी पूरी ले हुए हैं। अब छोरा खुश रहा करता और बापू दिक्कत ना मानिए रोज मुका करता। ट्रेनिंग खत्म होकर ड्यूटी छत्तीसगढ़ में आ गई, गुंडे थे नरे और नक्सलिया का एरिया था सागे। ना तो घर आके होली पर पटाखे बढ़ते और ना ही दिवाली पर दिए जड़ते। कदे कदे माँ का हाथी रोटियां ने याद कर लिया करता और बाप का अड़े याद आ जाता जो कंध कर बंदूक दिला करता। आसवत है तंबू में बात बोलता और एकला बैठ कर सचिन कई बेर रो लेता। पर ड्यूटी का पूरा पक्का था, कदे कोई कमी नहीं आती और अपनी शिकायत कदे आगे नहीं जानती। कई बार मुठ भेड़ भी हुई थी और एकला सचिन ने नक्सली की धोती सी धोई थी। सुनकर यह बात अफसर ने उड़े गाल दिया, जिनका नाम सुनकर कई ने अपना फैसला ही टाल दिया। इब दूध दही का खाना और देसी बाना गए थे, पांच जने की टीम में दो हरियाणा गए थे। सर्च ऑपरेशन की पहली रात में चार मार दिए, पांच और नक्सली मौत के घाट उतार दिए। अगली रात सचिन का तंबू पर हमला हो गया जिसमें सचिन अपने चार दोस्तों ने खो गया। इब एक गोली सचिन के टांग में लग गई और एक जांग में लग गई, ठाक बंदूक सचिन उल्टा फायर करने लग गया और एक हाथ तक गोली भरन लग गया। किते तो ओली किते तो सोली बरसे थी, चौगरदे तो सचिन के ऊपर गोली बरसे थी। इब एक गोली तंबू ने चीरती हुई माथा में लग गई और गिल्ले सचिन ने घर के की याद आ गई। गांव की गाल और बाप का चेहरा दिखा था, वो भी टाइम था जब सचिन ने नई रेस मारनी सीखा था। इन बात बात में तो एक और गोली कलजा में कटेगी और सीधी आगे छाती में कटेगी। भारत माता की जय बोल के छोरा मुद्दा पिड़ा था और बाजा को नहीं रे दुश्मन का आगे छाती ठोक कर खड़ा था। ये अगला दिन अखबार में फोटो आ रही थी जो सचिन की बहादुरी ने थोड़े से अक्षरा मंगा रही थी। अरे सचिन के घर की एक एक चीज रो थी, माँ
माँ और बण मरमर द्वातड़ अपक हो थी। सचिन का बाबू कलजा त्रिडा करके खड़ा था और बेटा की देशभक्ति की बहादुर सिंह का देशभक्ति का जज्बा भर गया था। लोगों का घर मत लारा ना टूटा था और हर कोई सचिन का जिक्र करके उठता था इबे कुछ दिन बाद सचिन का बाबू गेर में अड़ जाड़न लग गया और फिर तरह लोगों लोग खेत में घास पाड़न लग गया। इब सारे मिलकर दिहाड़ी मजदूरी करा करते जिस तरह अपना सांस में पेट भरा करते। यह तो एक सचिन की कहानी है, बेरा ना कितने सचिन मरे हैं जिनके परिवार ने बाद में दिहाड़े भरे हैं। या भारत माता तो आजाद है लेकिन उनका परिवार गुलाम हो जाए है और बांध के पेट के जोड़ा सांझ में खिस हो जाए और फिर भी फौज में लगावेंगे जो ठाणा ठावा है और मारा हरियाणा के लोगों और मारा हरियाणा के देश खातर गाबरू छोरे बनावा है।